तुम लोगों ने रास्ते पर पत्थर बिछा दिए। आओ वीरू, दीपराज, दिलावर, तुम लोग जाओ, संभाल के। संभाल वीरू, अगर हमने डॉनों के बेटों को अगवा कर लिया तो रुक्मणी हमें शर्तियां मिल जाएगी, चाहे हम में से किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन ड्रोनों के बेटे का किडनैप करना ही है। और क्यों ना हम बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी किडनैप कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? ओ भाई, बच्चे की देखभाल के लिए अगर बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो हमें से देखेगा कौन? नहीं नहीं, ड्रोनों की बीवी को अगवा करना मुनासिब नहीं होगा। आखिर ये रुक्मणी की जिंदगी और मौत का सवाल है। सावधान, गाड़ी आ रही है। याद रखना, किसी को भी जानी नुकसान न पहुंचने पाए। हाँ वीरू, आओ मेरे साथ। What happened, driver? साहब, रास्ते में पत्थर है। What? सड़क पर पत्थर है? हाँ सर, देखता हूँ। What's the matter, darling? Nothing, Judy. अच्छा, सड़क पर stone है। देखता हूँ। जल्दी करो मारा, जल्दी करो, जल्दी करो। हे, देखो वो कौन है, पीछा करो उनका। खास खबर है। क्या? दोनों साहब की बीवी और बच्चा कल ही लंदन से आए हैं। इसमें खास बात क्या है? सुनो तो, दोनों साहब जब बीवी और बच्चों को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में किसी सुनसान जगह पे कुछ लोगों ने उनके बच्चों को किडनैप कर लिया। क्या? बच्चे को किडनैप कर लिया? हाँ। अच्छा ही हुआ, अपने कैदियों पर बहुत अत्याचार किया उसने। ब्रिटानिया सरकार को ऐसे बदामनी मंजूर नहीं है। तुम लोगों के नाक के नीचे डॉक्टर सरहूरी का मर्डर हुआ और अब मेरे बेटे टॉम का किडनैपिंग। इट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन सर। अलार्मिंग? नॉट ओनली अलार्मिंग बट एक्सट्रीमली ग्रेव। हमसे हमारा वाइफ जूली का हालत देखा नहीं जाता, उसको फिट पड़ता, वो बार बार बेहोश होता। अपने बेटे टॉम के वास्ते पागलों की तरह चीखता चिल्लाता और चीखते चीखते बेहोश हो जाता। ईस्टर्न हाईवे का कोना कोना छान मारो, पूरा वॉच लगा दो। यस सर। नॉट ओनली यस सर, कुछ करो। अगर हमारे बेटे के ऑपरेशन में 10-20 आदमी को मारना पड़ता तो मारो। किल द गून्स, किल देम। हमको हर हालत में हमारा टॉम चाहिए, एट एनी कॉस्ट। हमारे पास लेकर आओ। सर, ये आपके नाम एक जरूरी चिट्ठी। कैसा चिट्ठी? एक लड़का आपके लिए चिट्ठी दिया और भाग गया। हमको धमकी दिया, 8 days, 8 दिन के अंदर अंदर रुक्मी को रिहा कर दो, वरना हमारे टॉम का लाश हम तक पहुंचा दिया जाएगा। नो 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 नो, हम किसी भी हालत में रुक्मी को रिहा नहीं करेगा। आप
अगर तुम अपने साथियों का पता नहीं बिठाएगा तो हम तुमको बहुत टॉर्चर करेगा। बोलना मांगता, अपने साथियों का पता बताना मांगता। मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक, पहचान इस हैंडराइटिंग को, पहचान। ये बास्टर्ड लोग मेरे बेटे टॉम के बदले में तुम्हारी आई मांगता, और तुम कहता तुम इनको नहीं जानता। अगर तुम इनको नहीं जानता तो ये बास्टर्ड लोग तुम्हारी आई क्यों मांगता? क्यों? अपने साथियों के बारे में बताओ, उनका नाम बताओ, उनका पता बताओ, ठिकाना बताओ, वरना हम तुमको बहुत टॉर्चर करेगा, तुमको सताएगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इतना कि ये जो भी लोग हैं, यस, बड़ा बड़ा, ये लोग तुम्हारे जुल्म का खत्म करने वाले लोग हैं, और तुम सब लोग जालिम हो। तुम लोग डाकू हैं, तुम लोग क्रिमिनल हैं। तेरी लड़की तो बेहोश हो गई है, ज्यादा टॉर्चर करने से मर जाएगी। मरता है तो मर जाने दो, हम इसका डेड बॉडी उसी जंगल में फेंकवाएगा जिस जंगल से हमारे बेटे टॉम का किडनैप हुआ। मोहन, तुमने डोर्नो को अपना दूसरा पर्चा भिजवा दिया ना? हाँ वीरू, उसी वक्त। क्या लिखा था उसमें? यही कि अगर तुम अपने बेटे टॉम की सही सलामत वापसी और बदले में रुक्मणी की रिहाई के लिए तैयार तो अपनी मंजूरी का लिखित रुक्का जेल की नोटिस बोर्ड पे चिपका देना। हम लोग तो रोज वहाँ बेरोक टोक आते जाते रहते हैं, तुम्हारा मंजूरी नामा हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमने उन्हें 8 दिन की मियाद दी थी, 2 दिन तो गुजर चुके हैं। डोर्नो की जान साजद में होगी, क्या करे क्या न करे, बेचारा। बेचारा नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जब तक उसका लड़का टॉम अपने कब्जे में है तब तक डोर्नो अपने मुट्ठी में। और एक बात सुन लो, रुक्मणी को छोड़ने का अहम फैसला वो अकेला नहीं ले सकता। हाँ ये बात तो है, वो अपने से आला अफसरों के हुक्म के मुताबिक ही चलेगा। लेकिन एक बात है वीरू, अंग्रेजी अफसरियत और उनकी ताकत का ढांचा हमारे इस कदम से थर्रा गया है। कुछ भी हो, रुक्मिणी की रिहाई हमें जल्द से जल्द हासिल करनी है, वरना डोर्नो हम लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए रुक्मिणी पर बहुत से जुल्म करेगा। अगर डोर्नो ऐसा करेगा तो मैं उसके बेटे की लाश उस जेल के फाटक पर तोहफे की तरह लटका दूंगा। नहीं मोहन, नहीं, ये सब हमारे उसूलों के खिलाफ होगा। हमारी लड़ाई अंग्रेजों की मौत के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई अपने मुल्क की आजादी और अपनी जिंदगी के लिए है। आइंदा से ऐसी बात अपनी जबान पर भी मत लाना, समझे? वो हिरण कैसा भागता था? अरे वाह टॉम बेटा। हाँ बेटा, नहाया? हाँ। कहाँ पे? नदी में। ओ नदी में, वाह वाह, मजा आया। बोट? टॉम ने वहाँ पे मोर देखा। अच्छा, और क्या क्या देखा? देखा। अब क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मंकी देखा, मंकी। अच्छा बेटा ये बता और क्या क्या देखा? तुम भी देखा बेटा, चॉकलेट खाएगा? ये चॉकलेट हम आपके लिए लाए बेटा, इसको खोलो और खाओ, हमको भी खिलाओ। हमको ब्रेकफास्ट खिला था, बाद में खाता। तो अच्छा चलो, हम तुमको ब्रेकफास्ट खिलाएगा, फिर देगा चॉकलेट। चलो पहले हमको मम्मी ड्रेस पिलाता, फिर अपने हाथों से ब्रेकफास्ट। अच्छा तो हम तुमको ड्रेस पिलाएगा, फिर अपने अच्छे अच्छे हाथों से तुमको ब्रेकफास्ट देगा। ओके, आओ, गुड बाय। क्या मासूम बुला लड़का है। हाँ मोहन, बच्चे सचमुच भगवान का रूप होते हैं। मुझे मेरा बेटा टॉम वापस चाहिए, टॉम। जूली, तुमको तुम्हारा बेटा टॉम जरूर वापस मिलेगा। Have faith in me. I don't have any more faith in you. आज 4 दिन हो गया, सुना तुमने? कल 5वां दिन है। I can't live without Tom. No, I can't. जूली, try to understand. Don't console me like this. तुम उस बागी लड़की को छोड़ दो और मेरे टॉम को वापस ले आओ। मैं कहती हूँ छोड़ दो उस बागी लड़की को। जूली, हम यहाँ के अंपायर के वारिस हैं, यहाँ के गुलामों के मालिक हैं। मुट्ठी भर बागियों के आगे हम अपने घुटने नहीं टेक सकते। उस लड़की ने हमारी सल्तनत के खिलाफ बगावत की है,
उसको नहीं छोड़ा जा सकता, जूली नहीं छोड़ा जा सकता। उसे छुड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हमको उसे मिलने का इजाजत तो दिया जा सकता है। किस लिए? मैं उस कैदी लड़की से अपने बेटे टॉम के लाइफ की भीख मांगूंगी, उसे बेग करूंगी, उसे प्लीड करूंगी, तो मुझे उसे एक बार मिलने तो दो। नो नो नो, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। This is not possible, Shirley. But why? I ask why not? मैं किसी भी कीमत पर उसे टॉम को वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। जरूरत पड़ी तो उसे सोना भी करूंगी। और हमेशा हमेशा के लिए टॉम को लेकर वापस लंदन चली जाऊंगी। Okay, Shirley. अगर तुम लंदन वापस जाना चाहता है तो अभी वापस चले जाओ। मैं चली जाऊंगी, वापस चली जाऊंगी, but not without my child. जूली, don't shout, don't you shout. तो मुझे फिर अपना बेटा वापस लाकर दे दो, और वापस लाकर नहीं दे सके तो मुझे इस रिवॉल्वर से शूट कर दो। Don't talk rubbish, जूली. What rubbish? क्या तुम हिंदुस्तानियों को कैद नहीं करते? क्या तुम हिंदुस्तानी को कुत्ते भी लिए तो तरह नहीं मारते? जूली, इन हिंदुस्तानी का खून में और हमारे खून में बहुत फर्क है। We are rulers. And they are animals! Save yourself! I'm sorry, Julie. I'm very sorry. I want my son back by tomorrow. कल तक मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत sorry feel करोगे। Julie. पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिया है। अब वो बागी किडनैपर्स बहुत ही जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। जीजू, where is your mom and dad? मेरे माता पिता? Yeah. वहाँ गांव में रहते हैं, बहुत ही दूर। तुम यहाँ क्यों रहते हो? मेरे इतने सारे दोस्त हैं ना, इनकी वजह से। मैं कौन हूँ? You are my best friend. अच्छा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता टॉम? You are my good friend. But why you keep this pistol? अपने दुश्मनों के लिए। लालचंद सर, तुम लोग जंगल में यहाँ से एंटर होगे। एक माइल चलने के बाद तुम्हें नाला मिलेगा। यस सर। तुम लोग वहीं तैनात रहना, क्योंकि बागियों के आने जाने का रास्ता वही हो सकता है। ओके सर। ओके, जगजीत सिंह। यस सर। तुम अपना दस्ता लेकर सीधा उत्तर की तरफ जाओ, वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो। ठीक दो घंटे के बाद हम तुमको मांदे के मंदिर पे मिलेगा। अगर इस बीच बागियों का पता लगे तो मुझे फौरन खबर कर देना। ओके? यस सर। चलो मेरे साथ। वीरू, पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी कर रही है। उधर पश्चिम में तो पुलिस की 3 गाड़ियां आई हैं। इसका मतलब है मामला संगीन है।
तुम लोग यहीं रुको और मेरी ऑर्डर का इंतजार करो। इतना बड़ा जंगल है, ना आदमी ना आदमजात, ऐसे में कहीं भागे हो पता लग सकता है। नीरू मोहन, यहाँ से फौरन निकल चलो, वक्त बहुत कम है। दिलावर, अपनी बंदूक उठाओ, मेरी पिस्तौल कहाँ है? नहीं 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 बेटे, सर इधर से ही फायर की आवाज आई है। मालवी, ये तो खत्म हो गया, चलो यहाँ पे जल्दी निकलो। दिलावर, चलो चलो चलो। ये तो मैं पकड़ पकड़ती